गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल जीके भाई संदीप सिवाज पर। और आप लोगों को खुशखबरी मिली चुकी होगी कि जिन पदों का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, ग्रुप डी के लगभग 12,000 पद जो सरकार लंबे समय से बोलती आ रही थी कि हम 12,000 प्लस पदों के ऊपर भर्ती करने जा रहे हैं, और मेरे बच्चों ये शायद हरियाणा सरकार की अंतिम भर्ती होगी। इसके बाद आप लोगों को कोई भर्ती 2024 तक देखने को नहीं मिलेगी, और 2024 के बाद भी मैं बात करूं तो 2025 2026 तक भी कोई भर्ती हरियाणा के अंदर नहीं होने वाली है। तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है, और ये सुनहरा मौका है उन बच्चों के लिए जिनका सीईटी बच्चों क्वालिफाई नहीं हुआ था, और वो बच्चे बेचारे थक हार के बैठ गए होंगे क्योंकि उनको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा। लेकिन अब सरकार ने उनके सामने बहुत बड़ा ऑप्शन दे दिया है। सरकार के अंदर मेरे बच्चों अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आप लोगों के लिए 12,000 जो पद हैं उनका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू कर दिया गया है सरकार के द्वारा। HSSC के पोर्टल के ऊपर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पहले ग्रुप डी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, जिन बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, कोई गलती आपसे नहीं हो रखी है उस रजिस्ट्रेशन के अंदर, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले वाले रजिस्ट्रेशन में यदि आपसे कोई गलती हो गई थी, कोई बाय मिस्टेक कोई DMC अपलोड करना भूल गए थे, या नाम में कोई आपने मिस्टेक कर दी थी, तो वो सारी की सारी गलती सुधारने का मौका भी आप लोगों को HSSC ने दे दिया है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ग्रुप डी के लगभग 12,000 पद, और बहुत बड़ी भर्ती है हरियाणा सरकार करने जा रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव सरकार को साफ साफ दिख रहा है। तो मेरे बच्चों, इस भर्ती में आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, और कोई ज्यादा मार्क्स भी आप लोगों को इस भर्ती के लिए जुटाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हरियाणा का जो बच्चा है जब तैयारी करने बैठता है तो वो लगभग मार्केट की भीड़ को देखकर वैसे ही मायूस हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करने लगे हुए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हरियाणा के अंदर कंपटीशन न के बराबर है। सीईटी मेंस जिन बच्चों का प्री क्वालिफाई हो रखा है वो बच्चे भी इतने एक्टिव नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार पेपर लेगी ही नहीं। सरकार पक्का पेपर लेगी, हो सकता है वो आपका सबर का इम्तिहान ले रही हो, 2-3 महीने लेट हो सकता है, लेकिन पेपर पक्का होगा। आप लोगों को पढ़ते रहना होगा, स्टूडेंट का यही काम है कि सिर्फ पढ़े हम बाकी और हमारे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि हमारे पास यदि सरकार से लड़ने के कोई और ऑप्शन होते तो मेरे बच्चों फिर हमें इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो हम लड़ सकते हैं सरकार से अपनी ईमानदारी से, हम लगातार मेहनत करते रहे, पेपर पक्का होगा। आप लोगों का मेंस का पेपर और जून में बोला जा रहा है, लेकिन जुलाई के अंदर मेरे बच्चों आपका एग्जाम जो मेंस के हैं वो शुरू हो जाएंगे, और अगस्त सितंबर तक आपके ये जो एग्जाम है ये सरकार मेंस के कंडक्ट करवा लेगी, और उसके बाद जो तैयारी करेगी सरकार वो सबसे बड़ी भर्ती ग्रुप डी के लिए तैयारी करेगी। लगभग 12,000 पद, योग्यता आपके लिए 10वीं पास रखी गई है, एज क्राइटेरिया 18 से 42 के बीच रखा गया है। तो एक सुनहरा मौका है, इस मौके को आप जाने मत देना। ग्रुप डी को आप माइंड के अंदर ग्रुप डी मत मान के चलिएगा, ग्रुप डी को आप मेरे बच्चों रोजगार मान के चलिएगा, क्योंकि हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 जा चुका है। तो आप लोगों को रोजगार पक्का मिलेगा ग्रुप डी के अंदर, बहुत सारी अच्छी अच्छी मेरे बच्चों इसके अंदर पद हैं, जैसे बेलदार का पद है, ठीक है, आपका लाइब्रेरियन का पद है, तो काफी अच्छे पद भी हैं। तो उन पदों के ऊपर आप काम करें, और लगभग आपको 58 से 60 तक का स्कोर करना पड़ेगा। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं कि 58 से 60 का स्कोर करोगे तो आप ग्रुप डी के अंदर नौकरी लग जाओगे। अब आप बोलोगे कि सर 60 नंबर में कैसे नौकरी लग जाएंगे, तो इसके पीछे भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि सिर्फ 58-60 का स्कोर करने पर, और जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, जो जनरल कैटेगरी से अदर कैटेगरी है तो उनको तो मेरे बच्चों 55-54 नंबर तक भी नौकरी इजीली मिल जाएगी। तो ये जो ग्रुप डी के लिए पोर्टल है ये आपका ओपन हो चुका है, आप लोग कल से जाके अपने फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। 12,000 पद के ऊपर ये भर्ती होगी बच्चों, सबसे बड़ी भर्ती रहेगी इलेक्शन से पहले, उसके बाद कोई भर्ती हरियाणा के अंदर मेरे को तो नजर आती नहीं है। तो बहुत अच्छा मौका है, मैं तो ये बोलूंगा कि जो गरीब परिवारों से आते हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, जिनके घर नौकरी नहीं है, तो उन बच्चों को तो अपनी परिस्थितियों को ही मोटिवेशन बनाकर तैयारी करना आज से शुरू कर देना है, ठीक है। आपको मार्केट की भीड़ से अलग चलना है, मार्केट की भीड़ जब पेपर नजदीक आता है तब बढ़ना स्टार्ट करती है, लेकिन आपकी परिस्थितियां जो है मेरे बच्चों, जो आपको हर दिन रुलाती होंगी, उन परिस्थितियों को आप देख के आज से ही तैयारी करने बैठ जाना। और यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो आपको 4 से 5 महीने मार्केट की
चकाचौंध से बाकी भीड़ से अलग रह के अच्छे तरीके से संतुलन बनाकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट का सिलेबस अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट का अच्छे से जब आप सिलेबस कवर कर लोगे तो आप लोगों को नौकरी आसानी से ग्रुप डी की मिलेगी ही मिलेगी। मेरे बच्चों ये जो योग्यता इसमें रखी गई है वो 10th रखी गई है, तो लगभग 10वीं पास तो हरियाणा का हर बच्चा ही मिलेगा। एज जो क्राइटेरिया है वो 18 से 42 के बीच है और जो आपके मेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो हरियाणा जीके, हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, ये हमेशा से आप लोग पढ़ते आए हैं। बस आप लोगों को इनका सिलेबस अच्छे से कवर करना पड़ेगा। एक तो होता है सिर्फ पढ़ते रहना और एक होता है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा, कौन कौन से वो टॉपिक हो सकते हैं, ये आपको कौन बेहतर बता सकता है, ये आपको वो बेहतर बता सकता है जो 5 से 6 साल लगातार टीचिंग में है और वो टीच कर रहा है मेरे बच्चों एचएसएससी कॉम्पिटिटिव जो वैकेंसीज हैं उनके लिए। ठीक है, तो आप लोगों को कोई इश्यू हम आने नहीं देंगे। जो मैंने आपको बताया है कि ये अंतिम भर्ती है और हरियाणा में कंपटीशन, अब आप लोगों को बस स्टैंड के ऊपर मेरे बच्चों बैग लिए हुए हर बच्चा नजर आएगा, लेकिन कोचिंग तक कितने बच्चे पहुंचते हैं, घर से सारे के सारे उठ के आते हैं, ठीक है, लेकिन कोचिंग तक पहुंचते ये परसेंटेज जो है मेरे बच्चों वो 60% रह जाती है, क्योंकि 40% को तो मार्केट की चकाचौंध अपनी तरफ खींच ले जाती है। फिर 60% में से क्लास के अंदर जो कोचिंग होगी 3 से 4 महीने बच्चों, उसमें निचला टिक्के कौन बैठता है, तो ये परसेंटेज 20 से 25% रह जाती है। और फिर 20 से 25% के अंदर मेरे बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में पढ़ के फिर घर पर जाकर सेल्फ स्टडी करते होंगे, क्योंकि सिर्फ कोचिंग ही सिलेक्शन थोड़ी दिलाएगी, आपकी मेहनत भी तो सिलेक्शन दिलाएगी, क्योंकि मेहनत दोनों तरफ से होनी चाहिए। कोचिंग की तरफ से टीचर ईमानदारी से मेहनत करेगा, फिर वहां पर अपना ईमानदारी का काम उसने पूरा कर दिया तो घर जाकर बच्चे को फिर ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। दोनों साइड से ईमानदारी होगी तभी सिलेक्शन आएगा, यदि एक साइड से भी धोखा हो जाएगा मेरे बच्चों तो फिर नौकरी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो दोनों तरफ से ईमानदारी चाहिए, और दोनों तरफ से ईमानदारी की मैं बात करूं तो मुश्किल से 5 से 10% मेरे बच्चों हरियाणा के अंदर होती होगी, या तो कोचिंग वाले में फॉल्ट आ जाता है, या बच्चों स्टूडेंट कोचिंग वाले अच्छे हैं तो फिर स्टूडेंट के अंदर क्या जाता है, फॉल्ट आ जाता है। फॉल्ट का मतलब है कि वो अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं कर पाता, ठीक है, कोचिंग से जाता है फिर बस में उसका अलग अलग माहौल होता है, उसी माहौल में डल जाता है, फिर घर पे जाके वो खेलना कूदना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे रील देखना स्टार्ट कर देता है, तो बहुत सारे उसको अपनी तरफ खींचने वाले फैक्टर नजर आते हैं कोचिंग से लेके घर तक के सफर के बीच। तो आपको इन चीजों से दूर रहकर अच्छे तरीके से 4 से 5 महीने तैयारी करनी है। 4 से 5 महीने यदि आप गायब जाओगे, गायब का मतलब मिस्टर इंडिया नहीं होना, गायब का मतलब है मार्केट की चकाचौंध से दूर हो जाना, थोड़ी सी दोस्ती जो है उसको आप किनारे करेंगे, ठीक है, सिर्फ आप अपने लिए काम करेंगे, अपने लिए काम करोगे तो आगे मेरे बच्चों सारा का सारा समाज आप लोगों के लिए तालियां बजाएगा, आपका स्वागत करेगा, आपको वनवास काटना पड़ेगा, क्योंकि वनवास काट के जो भी आदमी आता है दोबारा से समाज में लौट के तो समाज उसका दिए जला के स्वागत करता है। यह बात आपने भगवान श्री राम के वनवास काटने के ऊपर भी सुनी होगी कि भगवान श्री राम राम थे, ये अयोध्या के लोगों को तब तक नहीं पता था जब तक वो वनवास काट के नहीं आए थे, तो आपको भी ये वनवास काटना पड़ेगा। 4 से 5 महीने आपको अपने जो सुख हैं वो थोड़े से मेरे बच्चों कम करने पड़ेंगे, ठीक है, तो नौकरी आराम से लग जाओगे। ग्रुप डी के लिए सुनहरा अवसर है तुम लोगों के लिए, जिन बच्चों का सीटी क्वालिफाई नहीं हुआ है या सीटी के अंदर अच्छा स्कोर नहीं गया है, मायूस मत होइएगा, ग्रुप डी को ग्रुप डी ना लेके रोजगार लीजिएगा और आपको रोजगार पक्का मिलेगा यदि ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हैं। तो आपका यह सिलेबस रहने वाला है, कंपटीशन मैंने आपको बता दिया नए के बराबर है, बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ाता हूं चाहे ऑफलाइन मोड हो चाहे ऑनलाइन मोड हो, तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि हरियाणा का जो बच्चा है वो कितना सीरियस है पढ़ाई के प्रति, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, मैं बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूं, ठीक है, क्यों सीरियस नहीं है, क्योंकि यहां पर सारे के सारे सुख सुविधाएं हैं, अच्छा खासा अपना हरियाणा है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय भी अपनी अच्छी है, काम धंधा भी हमें अच्छे से मिल जाता है, हम ना करें वो बात अलग है, ठीक है, क्योंकि बाहर से दूसरे राज्यों से लोग आके यहाँ पर अपना मेरे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से घर चला रहे हैं, तो रोजगार के अवसर हैं यहाँ, प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी नौकरियां हालांकि बहुत कम है, लेकिन अभी जो मौका मिल रहा है इस मौके को आपको भुना लेना है, आपको दूर नहीं जाने देना है ये मौका, ठीक है बच्चों। मैंने क्यों बोला है आपको कि 58 से 60 नंबर में आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी जनरल कैटेगरी वालों के लिए, इसके लिए बहुत सारे कारण है, एक कारण तो यह है कि पुलिस की जो भर्ती लंबे समय से अटकी हुई है ज्वाइनिंग वाले, तो ये सारे के सारे इस
एग्जाम से पहले मेरे बच्चों ज्वाइन कर जाएंगे, ज्वाइन कर जाएंगे तो ये बच्चे ग्रुप सी से ग्रुप डी में तो आने से रहे, तो बच्चों यहां से आपका कंपटीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद टीजीटी भर्ती, टीजीटी के जो बच्चे थे यदि मेरे बच्चों रिजल्ट ना आए तो ये बच्चे भी ग्रुप डी का देंगे, लेकिन टीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा शायद इनको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, तो ये बच्चे फिर ग्रुप डी में तो नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सीईटी मेंस, सरकार ने अब की बार ये बहुत अच्छी पहल की है कि हम ग्रुप सी की जो भर्ती है वो पहले पूरी करेंगे, ग्रुप डी की बाद में करेंगे, क्योंकि ग्रुप सी वाला बच्चा ग्रुप डी का पेपर ही देने ना जाए, क्योंकि उसको ग्रुप सी की नौकरी मिल जाएगी और कोई भी ग्रुप सी से ग्रुप डी में तो नहीं जाना चाहेगा। हालांकि ग्रुप डी वाले जो बहुत सारे बच्चे जो पिछली भर्तियों में लगे थे वो लगातार तैयारी करते रहे और उन्होंने ग्रुप सी के अंदर भी ज्वाइन किया है, चाहे मैं क्लर्क की बात करूं, चाहे आईटीआई इंस्ट्रक्टर की बात करूं, जो ग्रुप डी लगे थे अब आईटीआई इंस्ट्रक्टर भी लगे हैं मेरे कुछ स्टूडेंट, चाहे मैं सब इंस्पेक्टर की भी बात करूं तो ग्रुप डी के अंदर लगा हुआ स्टूडेंट भी बच्चों सब इंस्पेक्टर तक पहुंचा है, वो उसकी मेहनत के बलबूते पहुंचा है। तो ग्रुप डी एक बार आप ज्वाइन कीजिएगा, ग्रुप डी में कोई भी पद आता है आप एक बार रोजगार लीजिएगा, उसके बाद आप तैयारी करना मत छोड़िएगा, तो आप ग्रुप डी से बहुत जल्दी ग्रुप सी के अंदर या ग्रुप बी के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कारण है कि जिसके बलबूते 58 से 60, क्योंकि इससे पहले वाली जो भर्ती थी जहां तक मुझे याद है 69 जनरल कैटेगरी 69 वाला ग्रुप डी में लगा था, जिसमें 5 नंबर मेरे बच्चों नो जॉब वालों को दिए गए थे, तो पेपर में तो 64 का स्कोर करना था, तो 64 का स्कोर और उस समय पद भी आप लोगों ने अच्छे खासे पद थे, लेकिन कंपटीशन मेरे बच्चों आज की तुलना में अच्छा था, बच्चे भी जो पढ़ रहे थे वो आज की तुलना में बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे। आज जो बच्चा वो टूट चुका है क्योंकि सरकार की नीतियां ऐसी हैं, क्योंकि कोई भर्ती हो जाती है तो उसका रिजल्ट अटका दिया जाता है, रिजल्ट यदि अच्छे से दे देते हैं तो फिर वो हाई कोर्ट के अंदर जो बच्चे नाराज होते हैं सरकार की पॉलिसीज से बच्चों वो फिर हाई कोर्ट के अंदर केस कर देते हैं, फिर हाई कोर्ट सटे लगा देता है, फिर कुछ की ज्वाइनिंग हो जाती है कुछ की रुक जाती है, तो बच्चों का एक प्रकार से शोषण ही हो रहा है 2019 के बाद। 2019 से पहले वाली जो भर्तियां थी वो बहुत अच्छे से हुई, बहुत सारे बच्चे लगे, ईमानदारी से लगे, पढ़ के लगे, मेहनत करके लगे, लेकिन 2019 के बाद जो ये मेहनत का क्रम है ना वो डे बाई डे कम होता चला गया, क्योंकि ये सरकार की आपकी बैड पॉलिसीज रही हैं, बुरी नीतियां रही हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से सरकार एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाई है, रिजल्ट नहीं दे पाई है, तो बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन इन खामियों को यदि हम गिनवाते रहेंगे तो हमारे हाथ से ये अच्छे अच्छे मौके जाते जाएंगे। तो आप लोगों को सरकार की जो कमियां है वो नहीं गिनवानी, आप एक स्टूडेंट बनके तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। आप मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत पर लगे हुए हैं, तो पक्का आप नौकरी लगोगे, आप में से ही आपका पड़ोसी, आपका भाई, खुद आप भी मेरे बच्चों इन नौकरियों के अंदर आगे शामिल होते हुए नजर आओगे, ठीक है। तो ग्रुप डी के ये 12,000 पद हैं, आज से ही आप तैयारी करना स्टार्ट कर देना, और वो बच्चे मेरे बच्चों जो अनाथ हैं या जिनके सिर से बाप का साया उठा हुआ है या जिनके सिर से माँ का साया उठा हुआ है, जो बहुत कमजोर वर्ग है, जो मेरे बच्चों आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनका समाज कहीं पर भी सहायता नहीं करता, उन बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है नौकरी लगना, क्योंकि उनको अपनी परिस्थितियां बदलनी है, और जब तक आप नौकरी नहीं लगोगे आपकी परिस्थितियां जो आज की हैं वो हमेशा आपके साथ चलती रहेंगी, और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं चलता होगा कि प्रेजेंट की परिस्थितियां मेरे साथ चले, क्योंकि जो प्रेजेंट में है उसको हम बहुत अच्छा चाहते हैं फ्यूचर के अंदर। तो उन बच्चों के लिए तो मैं खासतौर पर बोलना चाहूंगा कि आप मार्केट की चकाचौंध से दूर रह के आज ही अच्छे तरीके से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, चाहे आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा, चाहे आप कोचिंग का सहारा लीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा मेरे बच्चों, आपको हर हाल में नौकरी लगनी ही लगनी पड़ेगी यदि आपको अपनी परिस्थितियां चेंज करनी है तो, ठीक है। और जिन बच्चों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है, यदि वो बच्चा भी आज आलसी बना बैठा है, वो बच्चा भी यदि आज मजाक के अंदर, जोक्स के अंदर, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर भटकता फिर रहा है, तो उन बच्चों को अब जाग जाना चाहिए जो सोए हुए बच्चे हैं, क्योंकि डे बाय डे आपकी एज भी बच्चों निकलती जा रही है, ठीक है। आपके ऊपर भी घर की जिम्मेदारियां आएंगी, और जब घर की जिम्मेदारियां आप उठाने लायक हो जाओगे तो फिर जिंदगी का एक अलग ही मजा आता है, और वो जिम्मेदारियां उठाने में हमारा सबसे बड़ा जो योगदान देगा वो सरकारी जॉब देगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक बैच में लेके आया हूं सीईटी ग्रुप डी, जिन बच्चों ने पहले कोचिंग ले रखी है वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जिन बच्चों ने अच्छे से सिलेबस नहीं किया है वो मेरे साथ जुड़ के एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर वो पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। लगभग आज से 6 महीने बाद आपका ये ग्रुप डी का एग्जाम होगा मेरे बच्चों, ठीक है।
आज से लगभग 6 महीने बाद आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा, और 6 महीने एग्जाम होगा तो आपको 6 महीने ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन 6 महीने ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 4 महीने के अंदर तो हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, और उसके बाद 2 महीने आपको अच्छे से रिवीजन करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोगों के घर ये ग्रुप डी की नौकरी आएगी, ये ध्यान रख लेना। 6 महीने ज्यादा नहीं होते, जिस प्रकार का सिलेबस मेरे बच्चों HSSC पूछ रही है पेपरों के अंदर, तो 6 महीने बहुत कम होते हैं। आज से तुम तैयारी करने बैठ जाना। एग्जाम मंच एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों को योद्धा नाम से एक बैच मिलेगा ग्रुप डी का, और इस बैच के अंदर हर सब्जेक्ट का 0 से लेके एडवांस लेवल तक का बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस जो है वो समझाया गया है, सिर्फ पढ़ाया नहीं गया बल्कि समझाया गया है, और समझाकर कोई चीज कवर की जाती है तो वो लंबे समय तक दिमाग में टिकी रहती है, और लंबे समय तक दिमाग में टिकी रहेगी तो बच्चों आराम से आप लोगों को नौकरी मिलेगी। तो बिल्कुल इस बैच के अंदर आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा, कोई स्टंटबाजी नहीं है, कोई डबल मीनिंग बातें नहीं है, कोई मजाक नहीं है, कोई कॉमेडी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ है मेरे बच्चों कंटेंट जो आपके पेपर में काम आएगा, ठीक है। सारा का सारा अपडेटेड कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, कोई चैप्टर इसमें स्किप नहीं किया जाएगा, कोई मेरे बच्चों आपको शॉर्टकट की तरफ नहीं लेके जाया जाएगा। जैसे जैसे ईमानदारी से मेहनत करनी होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसी तरीके से इस बैच में सारे के सारे टीचर्स ने अपना दम लगा के पढ़ा रखा है, और बहुत अच्छे तरीके से आउटपुट बच्चों की मिल रही है। तो ये लाइव और VOD फॉर्म में रहेगा, या तो आप लाइव क्लास अटेंड कीजिएगा, या लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो वो क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी मिल जाएगी। 9 महीने की वैलिडिटी है जिस दिन से आप परचेज करते हो, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए जो सबसे मेन सब्जेक्ट है हरियाणा जीके, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इनकी बार बार आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। और मैं बार बार बोलता हूं कि सबसे ज्यादा जो जरूरत है आज मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को, वो नौकरी की जरूरत है, क्योंकि नौकरी सारे दुख तो मेरे बच्चों नहीं मिटा सकती, लेकिन बहुत सारे दुखों के ऊपर मरहम लगाने का काम सरकारी नौकरी कर देती है, ठीक है। तो दुख तो नौकरी वालों को भी आते हैं, लेकिन दुखों के ऊपर मरहम की बहुत जरूरत होती है, तो दुखों के ऊपर मरहम लगाने का काम सरकारी नौकरी करती ही करती है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर, और किसी भी बच्चे को कोई इश्यू आता है तो मेरे बच्चों वो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। कॉल या व्हाट्सएप करके इस बैच की पूरी डिटेल ले सकता है, ठीक है। तो ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो ईमानदारी पक्का जीतती है। और CET मेंस के यदि बच्चे जिनके पास 2 महीने का टाइम है, ग्रुप 56 और 57 के लिए 2 महीने का मेरे बच्चों समय है आप लोगों के लिए पास, और 2 महीने में यदि आपको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से सिलेबस कवर करना है तो आप तेजस बैच एनरोल कर सकते हैं, और तेजस बैच की वैलिडिटी भी 9 महीने है, लेकिन पेपर में 2 महीने का समय है, तो 2 महीने में सारा का सारा सिलेबस आपको अच्छे से कवर करवाया गया है। और इस खास बात है कि इसी बैच के अंदर आपके जो नए सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल स्टडीज, हरियाणा इकोनॉमी, रूरल मार्केटिंग, इंश्योरेंस, नाबार्ड, ये सारा का सारा जो नया आपका सिलेबस ऐड किया गया है ग्रुप 56 और 57 के एग्जाम के अंदर, वो भी इसी के अंदर कवर करवाया गया है। और जिन बच्चों ने मेरे बच्चों बाकी सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं, सिर्फ यही सब्जेक्ट कवर करने हैं, तो इनके लिए भी अलग से बैच है, तो आप इस अलग बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो सबसे मेन यही बात बोलना चाहूंगा कि पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा, हम लोग तो सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, और ईमानदारी से हम रास्ता आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे, और वो रास्ता आप लोगों को हमारे एक्सपीरियंस की बदौलत बहुत आसान लगेगा मंजिल की तरफ जाता हुआ। और साथ के साथ मेरे प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा जो फोकस रहता है वो कंटेंट के ऊपर रहता है, उस कंटेंट को बहुत आसान भाषा में आप लोगों तक डिलीवर करने का हमारा प्रयास रहता है, और अभी तक हम इस प्रयास में सफल भी हुए हैं, आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे एग्जाम मंच एप्लीकेशन के बैच से सेटिस्फाई भी हैं, बहुत अच्छा कंटेंट उनको लगता है, और सबसे खास बात है कि क्लास के अंदर ही उनको मैक्सिमम जो चीजें हैं वो अच्छे तरीके से याद हो जाती है। तो ये एग्जाम मंच एप्लीकेशन की खास बात है, क्योंकि सारे के सारे जो टीचर हैं वो अपने अपने फील्ड के महारथी हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनके पास है। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक आप सभी को। तो आप लोग कल से अपने फॉर्म जो है वो फिल करना स्टार्ट कर दीजिएगा, बहुत सुनहरा मौका है आप सभी बच्चों के पास। तो मार्केट की चकाचौंध में बार बार बोलता हूं, क्योंकि खुद मैं इस चकाचौंध का शिकार हुआ हूं, तो आप लोग इसका शिकार
ना हो, आप लोग 4 से 5 महीने मार्केट से दूर रह के दोस्ती से थोड़ा सा किनारा करके मोबाइल फोन का थोड़ा कम यूज करके मेरे बच्चों आसानी से जॉब लग सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।